मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है। मैं संजय। जी हाँ, बहुत दिनों बाद। अरे ये सब तो ठीक है भाई, पर पिछले एक साल से तुम कहाँ गायब थे? पिछले एक साल से मैं वीडियो एडिट का जॉब कर रहा था। अब ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने की कोशिश नहीं किया हूँ, मगर हो नहीं पा रहा था क्योंकि वीडियो एडिट करने के लिए मेरे पास अच्छा पीसी नहीं था। आप एक पीसी लेने के लिए चाहिए था पैसा, और वो पैसा कहाँ से आएगा? अब शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने का जरिया था वेडिंग में सिनेमाटोग्राफर का काम करो। तो फाइनली आज मैं अपना नया कंप्यूटर लेने जा रहा हूँ। अरे भाई, अब पीसी तो ले लिए हो, तो आप तो बता दो भाई कि पिछले एक साल से कहाँ गायब थे? पिछले एक साल से मैं वीडियो एडिट का जॉब कर रहा था, और उसके साथ मैं अपना सपना पूरा कर रहा था। 2022 में मैं कुछ प्लान बनाया था, और उनमें से एक था ट्रैवल। तो कुछ महीना पहले मैं गया था कलकत्ता एक म्यूजिक वीडियो के शूट के सिलसिले में। देखिए दादा, आज से पहले मैं कभी इतना दूर गया नहीं था, और मैं ये सब कुछ सिर्फ इसी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी हम साफ चौबीस परगना में हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और समुद्र में एक दो शॉट है तो वही लेने के लिए जा रहे हैं। आज से पहले कभी मैं समुद्र नहीं दिखा था, तो मैं मन ही मन बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। अभी मैं अपना रियल सूरज दिखा नहीं सकता। मेरा मन कह रहा है कि समुद्र में जाके एक डुबकी लगाऊं। तो आज मेरा यहाँ पर लास्ट डे है, और मेरा एक छोटा सा होप है कि मैं समुद्र से नहाऊं। पता नहीं ये छोटा सा सपना पूरा होगा या नहीं। देखिए दादा, समुद्र में नहाने का सपना तो पूरा नहीं हुआ है, मगर दोस्त लोगों के साथ पहाड़ घूमने का सपना जरूर पूरा हुआ है। आप ये यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। सिक्किम से आने के बाद मैं अपना जिंदगी का पहला फुल फ्रेम कैमरा लेता हूँ। और मैं चाहता था कि मेरा कैमरा का पहला शूट मैं वृंदावन में करूँ, तो फिर क्या, निकल पड़े जी वृंदावन। वृंदावन से हम सीधा निकल गए आगरा की ओर, क्योंकि मैं ताजमहल देखना चाहता था। और फिर आगरा से हम गए दिल्ली। तो दादा, अभी मेरा ट्रैवल कहाँ खत्म हुआ है? मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आज चलता हूँ क्योंकि अपना बाइक जो लेना है।